देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को टीका दिया गया। वहीं अब वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में पीएम, सीएम, सभी सांसद और 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरे फेज में सभी का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 के ऊपर हैं, उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। बता दें कि देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है और इसके तहत 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। हालांकि अभी दूसरे फेज का समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवान और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। इस फेज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत कई वीवीआईपी को टीका लगेगा, क्योंकि सबकी उम्र 50 से अधिक है।